गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। यूट्यूब चैनल के हिटलर एकेडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आज मदर्स डे है, पूरा हिंदुस्तान मदर्स डे को सेलिब्रेट कर रहा है और हम आशा करते हैं कि हम हर भारतवासी अपनी माँ का क्या करता है, सम्मान करता है, आदर करता है। इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हिंदुस्तान के सभी माताओं को मेरा प्रणाम। आज का वीडियो मदर्स डे पर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ओके गाइस, तो हम माँ के बारे में बात कर रहे हैं। माँ क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मदर? माँ वह होती है जिसके अंदर ममता हो, दया हो, करुणा हो, उसे हम माँ कहते हैं। माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, इतना प्यार करती है जिसके बारे में हम कह भी नहीं सकते। जब बेटा बच्चा जो है माँ के गर्भ में होता है, तभी से माँ को उसकी चिंता रहती है, पूरी तरीके से वह खाती है, पीती है, अच्छे ढंग से रहती है, फिर वह बच्चे को जन्म देती है। जन्म देने के बाद वह उसकी क्या करती है? देखभाल करती है, खुद जो है क्या करती है, बिस्तर, गीले बिस्तर पर सोती है, लेकिन बच्चे को सूखे बिस्तर पर सुलाती है। सोचती है उसको भूख लगती है तो उसको खिलाती है, पिलाती है, पूरी तरीके से देखभाल करती है। माँ वो होती है जिसके अंदर जो है असीम प्रेम होता है, प्यार होता है अपने बच्चों के प्रति। वह उनके दुखों को देख नहीं पाती है, वह खुद जो है दुख में रहते हुए अपने बच्चों को सुख देती है। सोचती है कि हमारा बच्चा जो है हमेशा सुख से रहे। दिन रात वह अपने बच्चों के बारे में सोचती है, अगर बच्चा नहीं खाया है क्यों नहीं खाया। उसे अपने बारे में कोई चिंता नहीं रहती है कि मुझे खाना है, पीना है, क्या करना है, वो ये नहीं सोचती है। वह अपने से ज़्यादा अपने बच्चों के बारे में सोचती है कि हमारा बच्चा समय से खाया नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, क्या प्रॉब्लम है। इन सारी चीज़ों को लेकर सोचकर वह परेशान रहती है। वह सोचती है कि किसी तरीके से अपने बच्चे को वह क्या करे, खिलाए पिलाए। जब कभी बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से लौटता है, तब भी उसकी क्या करती है, परवरिश करती है, देखती है, देखभाल करती है, ताकि उसके बच्चे को कोई कष्ट ना हो। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा होता है, पूरी तरीके से उसकी देखभाल करती है। माँ एक ऐसा शब्द है, जैसा कि हमने कहा कि माँ दो प्रकार की होती हैं। एक वो होती है जो हमको जन्म देती है, दूसरी वो होती है जिसका जो हमें हमारा पालन पोषण करती है। दूसरी माँ का मतलब धरती माता, जिसे हम बहुत स्नेह देते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, वह माँ होती है एक। और दूसरी वो माँ होती है जो हमें जन्म देती है और हमारा जीवन भर क्या करती है, देखभाल करती है, खुद दुखी रहते हुए भी जो है हमें सुख देती है। माँ एक ऐसा शब्द है जिसको बच्चा सुनने के लिए हर समय तरसता रहता है। जब भी हमको चोट लगती है, हमारे मुंह से जो है माँ शब्द ही निकलता है, माँ शब्द निकलता है। माँ एक ऐसा शब्द है जिससे लोग जो है सुनने के लिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तरसते हैं कि माँ क्या होती है। माँ वो होती है जिसके अंदर जो है करुणा, दया और प्रेम भरा हो, का असीम सागर हो, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि उसके अंदर कितना स्नेह है, कितना ममता है। अगर बात करते हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ की, सबसे सुंदर चीज़ की है, तो वह है माँ। माँ से इस दुनिया में सबसे सुंदर कोई नहीं है, जो हमें बहुत स्नेह देती है। जब तक हम जीते हैं, जब तक हम बड़े होते हैं, माँ हमारी पूरी देखभाल करती, कहीं चले जाते हैं और लौट कर आते हैं तो माँ पूछती है, बेटा, उसको नींद नहीं आती है, सोचती रहती है कि बच्चा कहाँ है, कैसा होगा।
अभी तक नहीं आया, क्यों नहीं आया, परेशान रहती है। और जैसे ही बच्चा आता है इसको बोलती है बेटा खा लो खाना, हाथ में धो लो खा लो, ये सुनकर भी बेटा बहुत खुश होता है। और जैसे ही कभी एक ऐसा समय आता है कि वही बच्चे क्या करते हैं, अपनी माँ को नहीं पूछते हैं, घर से निकाल देते हैं, उनको ये नहीं पता है कि वही माँ जो है हमें 9 महीने अपने गर्भ में लेकर जो है चली है, जन्म दी है, हमारा पालन पोषण की है, हमको इतना बड़ा की है, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इस चीज़ को वो भूल जाते हैं। शादी विवाह हो जाता है, इसके बावजूद भी माँ क्या करती है, अपने बच्चे की देखभाल करती है, सोचती है उसके बारे में। पत्नी को जितनी चिंता अपने पति के बारे में नहीं होती है, उससे कहीं गुना ज़्यादा जो है माँ को अपने बेटे के बारे में चिंता होती है। अगर रात को बेटा लेट से आता है तो पत्नी सो जाती है, लेकिन माँ जो है जागती रहती है, सोचती है कि अभी तक बेटा क्यों नहीं आया। जब बेटा आता है, जाता है, घर पर आता है, माँ खुश हो जाती है कि बेटा लौट कर आया। पत्नी से ज़्यादा जो है माँ को अपने बेटे की चिंता होती है। क्यों चिंता होती है? क्योंकि वही माँ जो है बचपन से लेकर जो है हमें इस अवस्था तक जो है क्या करती है, हमारी देखभाल करती है। तो हमारा सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है। मैं सभी देशवासियों से यह आग्रह और विनम्र करता हूँ कि सभी लोग जो है अपनी माताओं की क्या करें, सेवा करें, उनका सत्कार करें, क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि माँ उस काबिल नहीं होती है कि वह चल सके, फिर सके, तब बेटे को जो है माँ की क्या होती है, फिक्र होती है कि माँ की अब ये अवस्था आ गई है कि अब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारा उत्तरदायित्व तो बनता है कि अब हम माँ को क्या करें, माँ की सेवा करें, ताकि वह जो है आराम से इस जीवन से क्या करें, मुक्ति पा सके। वह यह सोचती है कि अब मेरा समय आ रहा है, मेरा बेटा जो है क्या करेगा, मेरा देखभाल करता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं इस धरती पर जो अपनी माँ को कुछ नहीं समझते हैं, बस ये सोचते हैं कि माँ ने हमको बस जन्म दिया है। वो भूल जाते हैं कि किस प्रकार से माँ ने उसकी जो है देखभाल की, किस प्रकार से उसको इस मुकाम पर लाया, इन सारी चीज़ों को वह भूल जाते हैं। तो हमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपनी माँ का क्या करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए, कहीं भी हो, किस अवस्था में है वह माँ, क्योंकि जब आप छोटे होते हैं तो माँ आपकी देखभाल करती है, फिर वही एक समय आ जाता है कि माँ की वो अवस्था आती है जो चलने लायक नहीं होती है, फिरने लायक नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम माँ की जो है पूरी तरीके से देखभाल करें, ताकि उसको किसी प्रकार की दुख ना हो, हमें वो हम माँ को वह प्यार दें जो उन्होंने हमको बचपन से आज तक दिया है, हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसा कि एक बार विवेकानंद के पास एक महापुरुष गए थे और उस महापुरुष ने पूछा कि माँ को ही महान क्यों कहा गया है, तो विवेकानंद ने एक सिंपल सी जो है बात कही कि ठीक है हम बताते हैं इसका, कैसे माँ को महान कहा गया है। उसने क्या किया जो है, एक ईंट के ईंट को क्या किया, उनको कहा कि उनको उनकी पेट पर जो है बांध दिया गया और कहा आप इसको अपने पेट पर बांधे रखिएगा, बांधे रखिएगा। तो 4 दिन बीता, वह गए घर पर, बांधे रहे, चलने फिरने में उनको परेशानी होती थी, नहीं चल पाते थे। फिर 2-4 दिन बीता, फिर वह आए और कहते हैं महात्मा अब हमसे नहीं इस सामान को ढोया जा रहा है। तो विवेकानंद ने कहा कि जब आपसे ये ईंट जो है आप 10-15 दिन तक नहीं ढो सके, और एक माँ होती है जो अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने गर्भ में लेकर क्या करती है, चलती है, इसीलिए माँ को क्या कहा गया है, महान कहा गया है। इस धरती पर माँ से बड़ा कोई नहीं है, और ना कि न ही हम माँ के उस कर्ज को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, आजीवन हम उसके कर्जदार रहेंगे। अतः हम उन सभी देशवासियों से यह आग्रह और विनम्र करते हैं, हाथ जोड़कर विनम्र करते हैं कि हमें अपनी माता की क्या करना चाहिए, माँ की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में माँ से बड़ा कोई नहीं है। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार फिर हिंदुस्तान की उन सभी माताओं को मेरा प्रणाम।